सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, जीएसटीआर 3B में आया है नया सर्कुलर। और आप सब लोग ना बहुत गलतियां कर रहे हैं जीएसटीआर 3B में, इसलिए गवर्नमेंट ने सर्कुलर भेजा है। तो आप अगर इस वीडियो को सही से समझना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि 3B में हम क्या गलती कर रहे हैं, ये सर्कुलर क्या आया, ये हमें क्या कहता है। पहली बात ये ध्यान रख लीजिए, ये सर्कुलर जो आया ये आया राजस्थान गवर्नमेंट का। तो सर क्या ये सेंट्रल पर भी एप्लीकेबल होगा? भाई देखो, राजस्थान गवर्नमेंट को गलती पता लगी तो उन्होंने सर्कुलर निकाल दिया। हालांकि ये वाला सर्कुलर मेरे हिसाब से पूरे इंडिया के लिए आना चाहिए, बहुत सारी स्टेट्स में ऐसी गलती हो रही है। तो आपको ऐसी गलती ना हो तो आप इस सर्कुलर को ध्यान से पढ़िएगा। ये 5 अप्रैल को सर्कुलर आया है राजस्थान में और ये कुछ दिनों बाद मेरे हिसाब से पूरे इंडिया के लिए भी आ जाएगा। सर्कुलर क्या कहता है इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा, रिगार्डिंग करेक्ट सबमिशन ऑफ रिटर्न अंडर GST, कि भाई आप GST के अंदर पिछले 5 सालों से GSTR 3B फाइल कर रहे हैं लेकिन आप ना करेक्ट GSTR 3B फाइल नहीं कर रहे, जिससे ना गवर्नमेंट को दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या है इस चीज़ को समझिएगा। आपको अगर ये पता होगा कि हमारे लॉ में CGST लॉ में एक सेक्शन 53 है। सेक्शन 53 क्या कहता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में टैक्स का बंटवारा करेंगी। अब टैक्स का बंटवारा कब होता है? टैक्स का बंटवारा तब होता है जब ITC ना हो, ITC की चैन ब्रेक हो जाए। कैसे चैन ब्रेक हो जाती है? लेट सपोज मैं एक गाड़ी परचेज करके लाया, ठीक है ना, मैंने कार परचेज करके लाया और कार जो मैंने परचेज करके लाया मुझे उसका ITC मिलेगा नहीं, 17-5 के अंदर ब्लॉक है। तो यहाँ पर ITC की चैन ब्रेक हो गई तो इसका जो है गवर्नमेंट आपस में बंटवारा कर लेंगी। अगर मैंने कोई सर्विस आपसे ली, ठीक है ना, और उसका मुझे ITC क्लेम कर रहा है, तब यहाँ पर बंटवारा नहीं होता। जब वो सर्विस एंड कंज्यूमर को चली जाती है, जब वो गुड्स एंड कंज्यूमर को चला जाता है, तब ITC का बंटवारा होता है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर ITC का बंटवारा करने में दिक्कत आ रही है, जिस हिसाब से आप अपनी 3B फाइल कर रहे हो। होता क्या, इस बात को ध्यान से समझिए। अगर मैं आपको पोर्टल पर लेकर चलूँ तो पोर्टल पर अगर आप देखते हैं जो भी हमारा ये ITC की टेबल है, तो जो भी हम ITC लेते हैं वो सारा का सारा ऑल अदर ITC में हम क्लेम कर लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपका कोई ITC ऐसा है जो कि रिवर्सल है, रिवर्सल कैसे है कि भाई आप टैक्सेबल गुड्स में भी डील कर रहे हो और एग्जेम्प्ट गुड्स में भी डील कर रहे हो, तो आप क्या करो, जो भी आपका एग्जेम्प्ट वाला ITC है आप उसे रिवर्स कर दो। कैसे रिवर्स कर दो? एज पर रूल 42 और 43। लेकिन बहुत सारे लोग इस कॉलम को नहीं भर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाल के ये बात बोली है कि लेट सपोज आपका अगर ITC 5 लाख रुपये है और उसमें से कुछ ITC आपका एग्जेम्प्ट गुड्स के लिए है, तो आप यहाँ पर 5 लाख रुपये जो दिखा रहे हो तो यहाँ पर तो 5 लाख रुपये ही दिखाओ। लेकिन अगर उसमें से कोई ITC ऐसा है जो कि एग्जेम्प्ट के लिए है, लेट सपोज 20,000 रुपये का ITC है, तो आप उसे यहाँ पर ITC रिवर्स के अंदर दिखा दो 20,000 का और नेट ITC ही आप क्लेम करो। कुछ लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो गलत है। तो अगर आपका कोई भी ITC ऐसा है जो एग्जेम्प्ट के लिए है या जो रिवर्स होना है रूल 42-43 के हिसाब से, उसे आपको यहाँ पर दिखाना है। इसके बाद सर्कुलर क्या कहता है? सर्कुलर ये कहता है कि भाई GST के अंदर 180 डेज की कंडीशन है कि अगर आपने अपने क्रेडिटर्स को, ठीक है ना, अगर आपने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करा 180 दिन के अंदर तो वो ITC भी रिवर्स करना है। लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह का ITC रिवर्स नहीं कर रहे हैं, उन्हें ऑडिट में दिक्कत आ रही है। तो गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाल के बोला है कि अगर आपका ऐसा कोई ITC है जो आपको रिवर्स करना है तो आप यहाँ पर रिवर्सल में दिखा दो, किसके अंदर, अदर्स के अंदर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि आप अपना नेट ITC ही क्लेम कर क्रेडिट लेजर में लेकर जाओ, इससे ज़्यादा का ITC मत लेकर जाओ, जो IT रिवर्सल है ये आप दिखा दो, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट क्या कहती है कि हो सकता है कि ये जो तुमने 5,11,000 का ITC लिया, जो आपने 5,11,000 का ITC लिया, इसमें से कुछ एग्जेम्प्ट का था वो आपने रिवर्स कर दिया, कुछ ITC ऐसा था कि जिसके 180 दिन आपने क्रेडिटर की पेमेंट नहीं करी वो भी आपने रिवर्स कर दिया, लेकिन इसमें कुछ ITC ऐसा है जो 17-5 में ब्लॉक है, तो जो 17-5 के अंदर कोई भी ITC ब्लॉक है तो आप उस टोटल ITC को यहाँ पर ऊपर क्लेम मत करो, आपका जो 17-5 का ITC है वो यहाँ पर आप डाल दो। जैसे ही हम यहाँ पर ITC डालेंगे तो ऊपर वाले ITC पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा।
तो इसका मतलब यहाँ पर इस बात को समझना है कि अगर हमारा 17-5 का जो भी कोई हमारा ब्लॉक ITC है, अगर वो हमारे ऑल अदर ITC में है, तो हमें उस ITC को यहाँ पर शो करना है और ऊपर वाले में से लेस कर दिखाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ऊपर वाले में से लेस कर नहीं दिखाते हैं, तो इस तरीके से उनकी जो GSTR 3B है वो गलत हो जाती है। अब आप इस चीज़ को समराइज करके अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपका कोई रूल 42-43 का ITC है, 180 डेज वाला ITC है, तो आप पहले उसे ऑल अदर ITC में क्लेम करेंगे और फिर 4B में रिवर्स करेंगे, तो यहां पर नेट ऑफ आ जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई 17-5 का ITC ब्लॉक है, या अगर मैं बैंक की बात करूं 17-4 का जो ITC है, तो उस वाले ITC को आपको यहां पर शो करना है 4D में और ऊपर वाले से लेस कर दिखाना है। यही इसकी सही प्रेजेंटेशन है। अगर आप ऐसा करके दिखाओगे तो ये वाला सही ITC आपके GSTR 9 में भी जाएगा। चलिए अब हम सर्कुलर को पढ़ लेते हैं। सर्कुलर में यही बात लिखी है। अगर आपको सर्कुलर की कॉपी चाहिए ना, तो आप हमें ना व्हाट्सएप कर देना हमारी टीम के नंबर पर, हम आपको ये सर्कुलर की कॉपी भी दे देंगे। तो यहाँ पर ये कहता है कि जो सेक्शन 53 है, इसमें जो हमें ITC बांटना है, या IGST का जो सेक्शन है 17-18, दोनों सेम ही सेक्शन है, ये कह रहा है कि हमारे को ना ये ITC बांटने में दिक्कत आ रही है, आप ना 3B को ना सही से फाइल नहीं कर रहे। तो इन्होंने क्या बोला है कि 3B को सही से फाइल कैसे करना है, तो इन्होंने बताया है कि जो भी आप अपनी 3B फाइल कर रहे हैं, इसमें जो रूल 42 और 43 है उसका ITC रिवर्स करें, या जो रूल 37 का ITC है, मतलब कि 180 डेज वाला ITC है, उसे रिवर्स करें, और इन्होंने बोला है कि जो 17-5 का ITC है उसे आप रिपोर्ट करें अलग से। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपनी रिटर्न गलत फाइल कर रहे हैं। इन्होंने साथ में ये भी बताया है कि जो अभी तक हो गया तो हो गया, ठीक है, 19, 20, 21, 22 में जो हो गया सो हो गया, आपकी कोई टेंशन नहीं, आप उसे GSTR 9 में ठीक कर लेना। लेकिन 22-23 के बाद से आप ITC की डिटेल करेक्ट फाइल करके दिखाएं। अगर आप ऐसा करेक्ट फाइल नहीं करते हैं तो कल को आपको नोटिस आ सकता है, आपकी 3B को गलत माना जा सकता है। अब आपको ये वाली प्रेजेंटेशन समझ आ गई है या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि हाँ सर ये प्रेजेंटेशन हमें सही आ गई है। देखिए, जो ट्रीटमेंट 4B का होगा वो 4D का नहीं होगा। 4B का ट्रीटमेंट और 4D का ट्रीटमेंट दोनों अलग है, लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है, इसलिए अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो हमने क्या करा है उसके लिए ना, हमने फ्री क्वेरी का सेशन रखा है। हमारे फ्री क्वेरी का सेशन कब होगा, 21 अप्रैल को होगा, शाम को 7 से 8 बजे तक। तो अगर आपको इसमें रजिस्ट्रेशन लेना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके इसमें रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और हाँ भाई, मई की मैगजीन के लिए ना आप हमारे को कंटेंट दो। इस बार हमने क्या करा है कि जो भी व्यक्ति हमें कंटेंट देगा, जो भी अपना आर्टिकल देगा, तो हम उसमें से बेस्ट आर्टिकल अवार्ड निकालेंगे और उसे एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देंगे और कुछ मॉनेटरी बेनिफिट भी देंगे। तो अगर आप भी अपना आर्टिकल हमारी मैगजीन में प्रिंट कराना चाहते हो तो आप अपने आर्टिकल हमारे को इन व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, हमारी ईमेल ID पर भेज सकते हैं। जिसका भी आर्टिकल अच्छा होगा हम अपनी मैगजीन में प्रिंट करेंगे। सर कैसा आर्टिकल होता है, किस तरीके से देते हैं, तो इसके लिए आप हमारी मैगजीन सब्सक्राइब करा सकते हैं, इन नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारी मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मैगजीन नहीं ली है तो उसे जरूर ले लेना। और अगर आपको GST में कोई क्वेरी है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूं ना कि सेक्शन 17-4, सेक्शन 17-5, रूल 37, ये रूल 42-43, अगर ये आप सब कुछ सीखना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं। हमारा फुल कोर्स है गूगल ड्राइव का, पेन ड्राइव का, जिसमें 80-100 घंटे की पूरी डिटेल नॉलेज देते हैं, 6 महीने 12 महीने तक अपडेट्स भी देते हैं। तो आप हमारा वो कोर्स भी सब्सक्राइब करा सकते हैं। अगर किसी की गूगल ड्राइव पेन ड्राइव एक्सपायर हो रखी है तो आप उसे रिन्यू करा ले, क्योंकि 15 मई से नई रिकॉर्डिंग्स आपको आना शुरू हो जाएगी। 15 मई से नई रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं और वो आपको हम भेजना शुरू कर देंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है ना तो अपने दोस्तों को भेजो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी करवाओ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।